जिला महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नीमच जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की आर्थिक हालत कमजोर होने के चलते निजी विद्यालयों की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की फीस माफ करने की मांग की है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था, कोरोना के कारण नौकरी व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में निजी विद्यालयों द्वारा फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में कलेक्टर महोदय विद्यालयों को आदेश दे कि वे लोगों की फीस माफ कर दे ताकि बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। साथ ही अभिभावकों के ऊपर भी फीस का तनाव है जो कम हो। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से जल्द इस मामले पर कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आशा सांभर, मंजू सैनी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व अभिभावक भी मौजूद रहे। हम स्कूल फीस माफी को लेकर यहाँ आए हैं और सारी प्राइवेट स्कूल जितनी भी हैं तो वो फीस को लेकर बच्चों पे दबाव, पेरेंट्स पे दबाव दे रही है। बार बार बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं और आप जानते हो कि जिस तरह का कोरोना का माहौल चल रहा है उसमें फीस देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और हम कलेक्टर साहब से आज ये निवेदन लेके आए हैं कि भाई बच्चों की फीस भी माफ़ होए, सारी स्कूलों की फीस माफ़ होए और इस तरह का जो दबाव है और बच्चों के पेरेंट्स से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं ये स्कूल वाले, खासकर उनको लेकर सारी प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक मीटिंग बिठाई जाए और आज ही हम आवेदन देने आए हैं कलेक्टर साहब से। एक समस्या ये भी आ रही थी बीच में कि जैसे जो ट्यूशन फीस को लेकर के भी कुछ बता जी रहे थे। तो स्कूल की फीस से ज़्यादा ट्यूशन फीस ली जा रही है, हर स्कूलों में जैसे 20-20 हज़ार की फीस ली जा रही है, पूरे जितनी फीस नहीं उतनी ट्यूशन फीस कर दी इन लोगों ने, तो इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा और प्रेशर भी इतना है कि आपको जमा करनी है, बच्चे वाली पढ़े ना पढ़े लेकिन आपको जमा करनी है। और हर रोज एक मैटर डाल देते हैं, मोबाइल पे एक मैसेज डाल देते हैं कि फीस जमा कराए, भाई बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेगा बच्चा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं इसलिए, और सारी स्कूलों का मतलब एक सारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों ने एक बना लिया नियम कि फीस जमा करनी है आपको। और इसमें हम जाते हैं स्कूलों में तो मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं और ना सुनने को तैयार स्कूल वाले, और बोलते जो हो करना हो कर लो, आप अपनी कलेक्टर तक चले जाए आप। तो आज जब पूरी उम्मीद लेके सारे पेरेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं कि कुछ तो निकले इसका और फीस माफ़ी भी होना चाहिए।